दबंगों की दबंगई से परेशान होकर एक परिवार ने सड़क पर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंग उनके घर आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि वह उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर हमें परेशान कर रहे हैं। देहरादून स्थित अंसल ग्रीन सोसाइटी में रहने वाले सचिव प्रवीण भारद्वाज ने भाजपा के पार्षदों की दबंगाई से दुखी होकर राष्ट्रपति से पहले इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। अब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर मदद की गुहार लगाई। प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि पार्षदों ने गुंडों के साथ आकर उनके घर में तोड़फोड़ की और उनके परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस से इस मामले की शिकायत करने के बाद भी पार्षदों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, उल्टा पुलिस प्रशासन उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे मजबूर होकर सड़कों पर घूम घूमकर जनता के बीच अपना दुखड़ा बताना पड़ रहा है ताकि हमारी आवाज ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं व अधिकारियों तक पहुंच जाए और हमें इंसाफ मिले। हमारी सोसाइटी की जमीन इन पार्षदों ने कब्जा की थी, जिसके लिए सोसाइटी की तरफ से मैं सचिव होने के कारण कार्रवाई कर रहा था। उसमें एमडीडी ने दोस्ती ग्रहण के आदेश कर दिए थे जो उन लोगों ने आगे कब्जा करा था। उसके विरोध में ये सारे पार्षद गणेश जोशी का इनको संरक्षण प्राप्त है, कैबिनेट मंत्री जो है पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश का संरक्षण प्राप्त है इनको, इसके बाद में मेयर गामा का संरक्षण प्राप्त है। इस कारण इन लोगों ने एक प्राइवेट जेसीबी मशीन करी और प्राइवेट जेसीबी मशीन करने के बाद में 70-80 लोगों के साथ में इन लोगों ने मेरे घर पर हमला करा। मेरे घर पर हमला करने के बाद में इन लोगों ने जेसीबी मशीन से, आप सुनिए, प्राइवेट जेसीबी मशीन से राजधानी जेसीबी दम अगर आप किसी का घर तोड़ रहे और पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा हुआ, पुलिस प्रशासन को जैसे कि ना कोई कार्रवाई करने का ऊपर से आदेश दे दिया कि कोई कार्रवाई नहीं करना आपको, प्राइवेट जेसीबी मशीन से मेरा घर तोड़ा गया, मेरी पत्नी को रोड पे निकाल के मारा गया, इसकी इनकी चेन लूटी गई, मेरा जो बेटा था उसके साथ नाबालिग बच्चा है मेरा 16 साल का उसके साथ रोड पे निकाल के मारपीट की गई, उसके पैसे छीने गए, मेरे घर में करीब 25-30 लाख रुपये का मेरे संपत्ति में नुकसान करा। ये पूरी घटना 2.5 घंटे तक चलती थी। पुलिस अधिकारी में डीजीपी से लेके एसएसपी से लेके कंट्रोल रूम से लेके हर अधिकारी को फोन किया गया, लेकिन 2.5 घंटे तक आदेश था कि तुम लोग कितना भी तांडव करो पुलिस इनको बचाने नहीं आएगी, आप इनके परिवार को जिंदा जलाओ मारो कुछ भी करो लेकिन पुलिस बचाने नहीं आएगी। और पुलिस ने बिल्कुल भी, अगर पुलिस चाहती तो ये घटना को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने इस घटना को नहीं रोका क्योंकि पुलिस खुद राजनीतिक दबाव में। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।